नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं एक खास मुलाकात। हर साल विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, इसलिए इसे विश्वकर्मा जयंती कहते हैं। दरअसल विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है, इसलिए इस दिन उद्योग, फैक्ट्री और हर तरह की मशीनों की पूजा की जाती है। यह पूजा सभी कलाकारों, बुनकर, शिल्पकारों और औद्योगिक घरानों द्वारा की जाती है, लेकिन देश के कुछ भागों में इसे दीपावली के दूसरे दिन भी मनाया जाता है। कारखाने बंद रहते हैं और लोग हर्षोल्लास के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली आदि राज्यों में भगवान विश्वकर्मा की भव्य मूर्ति की स्थापना की जाती है और उनकी आराधना की जाती है। इसके पीछे एक मान्यता भी है। क्या है वो मान्यता, हम आपको बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि भगवान विश्वकर्मा ने कैसे की थी महलों की रचना। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जितनी राजधानियां थी प्राय सभी विश्वकर्मा की ही बनाई जाती है। यहाँ तक कि सतयुग का सुरगलोक, त्रेतायुग का लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर आदि विश्वकर्मा द्वारा ही रचित है। ऐसे दामापुरी की क्षण रचना के बारे में भी ये कहा जाता है कि उसके निर्माता विश्वकर्मा ही थे। इससे यह आशय लगाया जाता है कि धन धान्य और सुख समृद्धि के विलासा रखने वाले पुरुषों को भावा विश्वकर्मा की पूजा करना आवश्यक और मंगलदायी है। आपके आशीर्वाद से और देवी भगवती की शक्ति के द्वारा द्वारका नगरी का निर्माण कार्य सफल हो गया। समस्त देवताओं ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दिव्य पदार्थ आपके श्री चरणों में भेंट किए हैं। देवराज इंद्र ने अपनी सुधर्मा सभा को स्वर्ग से लाकर द्वारिका में स्थापित कर दिया है। प्रभु कुबेर ने देवताओं के अक्षय पात्र को भेंट किया है। उस अक्षय पात्र को मैंने द्वारिका के आकाश में स्थापित कर दिया है। प्रभु हे विश्वकर्मा, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हुए हैं। जब तक इस धरा पर द्वारिका नगरी का नाम रहेगा, तब तक इस धरती के समस्त शिल्पी आपको अपना भगवान मानकर आपकी पूजा करेंगे। कैसे ही भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति। एक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात साक्षात भगवान विष्णु सागर में से सैया पर प्रकट हुए। उनके नाभिकलर में चतुर्मुख ब्रह्मा दृष्टि गोचर हो रहे थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। कहा जाता है कि धर्म की वास्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वास्तु देव की अग्निरक्षी नामक पत्नी से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। पिता की भांति विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीयाचार्य बने। अनेक रूप है भगवान विश्वकर्मा के। भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए जाते हैं। दो बहु वाले, चार बहु वाले एवं दस बहु वाले तथा एक मुख, चार मुख एवं पंचमुख वाले। उनके मुख में तवशिष्टा, शिल्पी एवं दैग नामक पांच पुत्र है। ये भी मान्यता है कि ये पांचों वास्तु शिल्प की अलग अलग विद्याओं में पारंगत थे तथा उन्होंने कई वास्तुओं का आविष्कार किया। इस प्रसंग में मनु को लोहे से तो मन्ने को लकड़ी, कविता को कांसे एवं तांबे, शिल्पी ईट और देवंग को सोने चांदी से जोड़ा जाता है। विश्वकर्मा पर प्रचलित तथा भगवान विश्वकर्मा की महत्ता स्थापित करने वाली एक कथा है। इसके अनुसार वाराणसी में धार्मिक व्यवहार से चलने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। अपने कार्य में निपुण था, परंतु विभिन्न जगहों पर घूम घूम कर पत्तन करने पर भोजन से अधिक धनी प्राप्त कर पाता था। पति की तरह पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वह साधु संतों के यहाँ जाते थे, लेकिन ये इच्छा उनकी पूरी ना हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार की पत्नी से कहा कि तुम भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा महात्म को सुनो। इसके बाद रथकार एवं उसकी पत्नी ने अमावस्या को भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उन्हें धन धान्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। उत्तर भारत में पूजा का काफी महत्व है।
के लिए सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे।